में एक बार फिर कोरोना का कहर जारी हो गया है। कोरोना के कहर का नया मामला जिले के असरगंज प्रखंड से आ रहा है। इस प्रखंड के लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय ममई के चालू होते ही विद्यालय के 25 बच्चे जांच के क्रम में कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन बच्चों के साथ विद्यालय के 3 शिक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस विद्यालय के कोरोना संक्रमित सभी छात्र छात्राएं 11 से 14 वर्ष की उम्र के हैं और सभी बच्चे अमिया गांव के हैं। स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर से इलाके के ग्रामीणों में काफी भयभीत का माहौल है और जिला प्रशासन के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मामले में मुंगेर के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार भारती ने बताया कि विद्यालय खुलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम रेंडमली जांच के लिए गई थी, जिसमें यह मामला सामने आया है और मामला प्रकाश में आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही 8 जनवरी से अमिया गांव के साथ ही साथ उसके आसपास गांवों के व इलाकों की स्कैनिंग शुरू कर दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार भारती ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने असरगंज प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि संक्रमित बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी जांच कराई जाए। साथ ही मेडिकल टीम की तैनाती इलाके में कर दी गई है और मुंगेर वासियों से अपील की गई, सावधानी ही कोरोना से बचाव है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्या सूचना है बताया? असरगंज में ममई एक हाई स्कूल है जहाँ 75 बच्चों का 18 से 14 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों का टेस्ट किया गया, जिसमें टीचर सहित 11 से 14 वर्ष के बच्चों में 25 केसेस पॉजिटिव पाए गए। आउट ऑफ 75 में 25 केस पॉजिटिव पाए गए। इसके सूचना मिलने के उपरांत ही मैंने वहाँ के प्रभारी से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट आज के दिन जो 25 घर के बच्चे हैं या जो पॉजिटिव हुए हैं उनके हाउस में जाके घर में जाके सारे लोगों का टेस्ट करना है और वो कंटेनमेंट जोन में घोषित हो जाएगा और कल से हाउस टू हाउस सर्वे मतलब वो टेस्ट करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि जो बच्चे बच्चे अगर कोई ऐसे हैं तो उसका स्कैनिंग हो सके और पॉजिटिव है तो आइसोलेशन में। सर एक चीज़ स्कूल में जाके लोग किए थे और चूँकि स्कूल से खुलने की बारी अब खुला हो गया, जानकारी नहीं है तो उसी में जाके किए क्योंकि टीचर भी उनमें 3 थे। स्टार्ट हुआ होगा, इनके मन में आएगा तो एक बार स्क्रीनिंग कर लें, प्लान बनाए होंगे कि स्कूल में भी जाके स्क्रीनिंग कर लें। मेडिकल टीम की भी गठन की गई, उसको भी भेजा जाएगा? हाँ, वो सारे लोग अभी कार्य कर रहे हैं। हम थोड़े दिन पहले ही निर्देशित कर चुके हैं, जैसे खबर में है हमने उनको। क्या सभी को क्वारंटीन सेंटर लाया जाएगा कि वो होम क्वारंटीन में है? क्या सिम्टम्स अगर वैसी होगी, जिनको दिक्कत होगी अगर वो क्वारंटाइन सेंटर में आना चाहेंगे, आइसोलेशन बाद में रहना चाहेंगे तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज वो होम आइसोलेशन के लिए रिक्वाइड करेंगे तो फिर सफर पर। कोविड रिटर्न हुआ है, बीच में 1 केस 2 केस मिलते थे, 25 एक साथ मिले, तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप लोगों को? सलाह जो सामाजिक स्तर पर जो ये कोविड की भयावहता को हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये स्कूल स्टार्टअप की जो बात हुई है और उसमें बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला चीज़ है कि कोविड अभी बहुत गया नहीं। हम लोग ऐसे तैयारी पूरी कर चुके हैं असरगंज में, पूरा कंटेनमेंट जोन। सर असरगंज के अन्य स्कूलों को भी स्क्रीनिंग कराया जाएगा? क्लासेस होते हैं तो सैंपल एक रेंडम होगा, अगर पॉजिटिव आएंगे तो उसका टेस्ट किया जाएगा और जो एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम्स को गठित कर दिया गया है वो अपना स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।